गिद्ध ने बताया कि इन छह लोगों को साथ नहीं रखना चाहिए। मित्रों, आज की कहानी आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए। यह कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी वन में एक बरगद के वृक्ष पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। गिद्ध जो था वो रोज छोटे छोटे जानवरों का मांस लाकर अपनी गिद्धनी को दे जाता था। गिद्धनी उसे अपने बच्चों को खिलाकर स्वयं खा लेती थी। इस तरह उनके दिन बड़े आनंद से गुजर रहे थे। एक दिन गिद्ध भोजन की तलाश में जंगल में चला गया। उसने सारा जंगल भटक लिया, परंतु उसे कहीं कुछ नहीं मिला। शाम हो चुकी थी। गिद्ध जब अपने घोंसले में लौट रहा था तो उसने देखा कि एक कौवा के घोंसले से कौवा का बच्चा नीचे गिर गया है और उसे मारने के लिए एक उल्लू उसी पेड़ की डाल पर बैठा रात होने का इंतजार कर रहा है। गिद्ध ने देखा कि यह उल्लू इस काक के बच्चे को मार डालेगा, इसलिए उसने कौवा के बच्चे को अपने पंजों से पकड़कर अपने घोंसले में ले आया। कहते भी हैं कि चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, पर इन पांच लोगों की मुसीबत में देखकर रक्षा जरूर करनी चाहिए। नंबर एक स्त्री, नंबर दो सन्यासी, नंबर तीन ब्राह्मण, नंबर चार बालक, नंबर पांच विश्वासी व्यक्ति। यदि कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आपकी जान भी जाती हो तो भी कर्तव्य छोड़कर बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। यही सनातन धर्म है और इसीलिए ये महान है। प्रिय बंधुओं, सनातन धर्म कहता है कि वही जीव का श्रेष्ठ होती है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ होता है जहां कुटुंब का पालन हो सके। वही धर्म श्रेष्ठ होता है जिसमें दया हो। वही गुरु श्रेष्ठ होता है जो विद्यावान हो और विद्या देते समय भेदभाव ना करता हो। वही स्त्री श्रेष्ठ है जो पति की आर्थिक स्थिति देखकर खर्च करती हो। वही पुत्र श्रेष्ठ है जो माता पिता का आज्ञाकारी हो। वही बंधु बांधव श्रेष्ठ हैं जिनमें प्रेम हो, विपत्ति के समय साथ खड़े हों। वही माता पिता श्रेष्ठ हैं जो अपनी संतानों में भेदभाव ना करते हों और संतान की शिक्षा दीक्षा को लेकर सजग रहें। वही मित्र श्रेष्ठ है जो विश्वासी हो और मित्र की विपत्ति में मदद करे। गिद्ध उस कौवा के बच्चे को अपने घोंसले में ले आया और गिद्धनी से बोला, प्रिय आज कहीं भोजन तो मिला नहीं, पर मैं इस कौवे के बच्चे के प्राण जरूर बचा लाया हूं, वरना वो उल्लू इसे मार ही डालता। गिद्धनी बोली, कोई बात नहीं स्वामी, आज आपने इस कौवे के बच्चे को बचाकर पुण्य तो किया ही है, अपने बच्चों को भी एक संस्कार दे दिया है कि विपत्ति में असहाय लोगों की रक्षा जरूर करनी चाहिए। जो मनुष्य इन चार पर दया नहीं करता है उसका मनुष्य लोक में जीने का कोई लाभ नहीं। नंबर एक बच्चे, नंबर दो सेवक, नंबर तीन बंधु वर्ग, नंबर चार दीनों पर। वैसे तो मल खाकर सुअर भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, पर जिसके जीने से अनेकों जिए उसका जीना सफल है। प्रिय बंधु, गिद्धनी अपने बच्चों के साथ साथ उस कौवे के बच्चे को भी पालने लगी। गिद्ध जब भी कोई भोजन लाता, गिद्धनी अपने बच्चों के साथ साथ उसे भी चुंगा दिया करती थी। धीरे धीरे उन गिद्ध सावकों के साथ साथ वो कौवा भी बड़ा हो गया। वे तीनों बच्चे बिना अपनी जाति जाने एक दूसरे के साथ खेलते कूदते और खाते पीते थे। कौवा का बच्चा उन गिद्धों को ही अपना माता पिता समझता था। एक दिन की बात, वे तीनों बच्चे जंगल में घूमने के लिए गए। वहां उन्होंने एक काले सर्प को देखा। सर्प को देखकर गिद्ध के दोनों बच्चे क्रोध में भरकर उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़े। उसी समय कौवा बोला, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये सर्प बड़ा खतरनाक है, इसके सामने जाओगे तो मारे जाओगे, ये सर्प तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इतना कहकर कौवा घोंसले की ओर उड़ गया। अपने बड़े भाई को भागता हुआ देखकर उन दोनों की भी हिम्मत टूट गई। वे भी उस कौवा के पीछे पीछे घोंसले की ओर भाग चले। किसी ने सच कहा है, धीरज वाले और उत्साही एक ही पुरुष के कारण सेना युद्ध में उत्साह दिखाती है। अगर वही भागने लगे तो सेना में भगदड़ पड़ जाती है। एक ही कायर व्यक्ति के कारण सबके पैर उखड़ जाते हैं। इसीलिए राजा लोग महाबलवान, सूरवीर, धैर्यवान और उत्साही सिपाहियों को सेना में भर्ती करता है, कायरों को छोड़ देता है। दोनों गिद्ध के बच्चे भागते भागते गिद्ध के पास पहुंचे।
और कौवा की सारी बातें गिद्ध को सुनाई कि पिताजी, आज हम दोनों एक बड़े भयंकर सर्प का शिकार करने वाले थे, पर कौवा भैया ने ये कहकर हमें डरपा दिया कि सर्प बड़ा विषैला और खतरनाक होता है, उससे लड़ोगे तो मारे जाओगे। कौवा भैया को डरकर भागते देख हमारी भी हिम्मत टूट गई। गिद्ध के बच्चों को अपनी शिकायत करते देख कौवा को बड़ा गुस्सा आया और वो उन दोनों को डांटते हुए बोला, अरे मूर्खो, तुम्हें मेरा उपकार मानना चाहिए कि मैं तुम्हें उस महाभयंकर सर्प से बचा लाया, उल्टा तुम मेरी शिकायत कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौवा को गुस्से में देखकर गिद्ध उसे एकांत में ले गया और समझाने लगा, हे वत्स, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुम्हें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए ना कि हौसला कमजोर करना चाहिए। तुम नहीं जानते हो, जिस सर्प से तुम डरकर भाग आए हो वो हमारा भोजन है, यदि उससे हम डर गए तो भूखे मर जाएंगे। उसे मारना तुम्हारे भाइयों के लिए ठीक वैसा ही है जैसा तुम्हें चूहे को पकड़ना। तुम्हें पता है कायरता मनुष्य के लिए कितनी घातक है, कायरता उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। जो काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कायर मनुष्य उसे भी करने में पीछे हट जाता है। कहते हैं उन्नति बिना जोखिम उठाए नहीं मिल सकती। तैरना वही सीख सकते हैं जो नदी पार करने का जोखिम उठाते हैं। डरकर किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना नहीं सीख सकते। मनुष्य के सारे गुणों में साहस पहला गुण है। साहस ही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग ऊंचाइयों के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हैं, ये उनकी मेहनत और साहस का ही तो फल है। यदि वे हिम्मत ना करती तो कुएं के मेंढक की भांति वही पड़े रहते, वही गरीबी और लाचारी का जीवन जीते रहते। इसीलिए ध्यान रखना, जब कोई अपने से अपार ताकत वाला हो उससे ही बचकर रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। पर जिन कामों को तुम आसानी से कर सकते हो उनसे डरना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत कष्ट तो प्रत्येक कार्य में होता है। अपने घर के सदस्यों का कभी हौसला नहीं गिराना चाहिए। जो हौसले से हार जाता है उसे हारा हुआ ही समझना चाहिए। महाभारत के युद्ध में कर्ण को पराजित करने के लिए पांडवों ने कर्ण के हौसले को कमजोर करने के लिए शल्य को यह काम सौंपा था कि वो कर्ण के उत्साह को अपनी बातों से कमजोर करता रहे। यही कारण हुआ कि कर्ण अर्जुन के हाथ से पराजित हुआ। गिद्ध की बात सुनकर कौवा बोला, पिताजी, ये दोनों मुझे कौवा कौवा कहकर चिढ़ाते हैं, बताओ मैं इनसे किस बात में कम हूं। मुझे गुस्सा दिलाएंगे तो मैं इन्हें मार डालूंगा। कौवा की इस प्रकार की बात गिद्ध को भी बुरी लगी। गिद्ध मन ही मन हंसता हुआ बोला, पुत्र, तुम एक वीर हो, विद्वान हो, पर जिस खानदान में तुम पैदा हुए हो उसमें सर्प नहीं मारे जाते। तुम एक कौवा के बच्चे हो, दया बस में तुम्हें उल्लू से बचाकर लाया था, तुम्हारा पालन पोषण किया। मेरे बच्चों को ये पता नहीं है कि तुम एक कौवा हो, वरना वे तुम्हें कब का मार डालते। इसलिए उचित होगा कि अब तुम यहां से चले जाओ और अपनी जाति वालों के साथ रहो। जब गिद्ध ने उसे उसके बारे में बताया कि वो गिद्ध नहीं कौवा है, तो वो वहां से डर कर भाग गया। गिद्ध कहने लगा, किसी ने सच कहा है कि इन छह लोगों को साथ नहीं रखना चाहिए। नंबर एक, उन लोगों को जिनका दूसरों में फूट डालने का स्वभाव हो। नंबर दो, जो कामी हो। नंबर तीन, जो निर्लज्ज हो। नंबर चार, जो मूर्ख हो। नंबर पांच, जो प्रसिद्ध पापी हो। नंबर छह, जो कायर हो। ऐसे लोगों को साथ रखने से मान प्रतिष्ठा तो कम होती ही है, विपत्ति भी टूट पड़ती है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।